नमस्कार दोस्तों, मैं हिरेंद्र सिंह नम्रता टेक्निकल पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च के टूल्स और वेबसाइट बताने वाला हूं और बहुत सारे आपको आर्टिकल यूनिक किस तरीके से जनरेट करते हैं। यूट्यूब वीडियो के हिंदी में आप आर्टिकल लिख सकते जनरेट कर सकते हैं और इंग्लिश में इंग्लिश का जो वीडियो होता है उसको भी आप जनरेट कर सकते हैं आर्टिकल के रूप में। किस तरीके से पूरा प्रोसेस है, क्या है, चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आज इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन ट्रकों का आनंद लीजिए और अपने ब्लॉग और वेबसाइट या वर्डप्रेस में इन यूनिक आर्टिकलों का प्रयोग कीजिए और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही आपकी काम की चीज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं ले चलता हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर। इसे जनरेट करते हैं तो अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे सपोज दैट आप मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके से आप यूनिक आर्टिकल बना सकते हैं। यहाँ से मैं अपना देखिए कोई भी एक वीडियो का लिंक ले लेता हूँ। तरीके से ये जो वीडियो है ये टेक्स्ट रूप में परिवर्तित होगा और हिंदी का वीडियो है, इसको मैं यहाँ से इसको लिंक इसकी कॉपी कर लेंगे। कॉपी लिंक यहाँ से जाएंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे और इसका कॉपी लिंक एड्रेस ये कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको कन्वर्टर चाहिए है। कन्वर्टर आप यहाँ पे डाल लीजिएगा ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर, यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके भी ये कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ तो इसको यहाँ से ओके करेंगे। ऑनलाइन में फिर आप डाउनलोड करेंगे वो होगा। यहाँ से मैं सीधा लिंक को कॉपी करने के बाद देखिए बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसका भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलिए मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ से इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो URL आपने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ थोड़ा टाइम लेगा और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रोसेसिंग चल रही है और मैं आपको अभी ये हिंदी में फिर इंग्लिश में इसी वीडियोज को कैसे टेक्स्ट में परिवर्तित करते वो भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और ये देखो मेरी फाइल डाउनलोड। देखिए दोस्तों बहुत सारी साइटें आ चुकी हैं, आप जिस साइट का भी चुनाव करना चाहें वो चुनाव कर सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल के लिए ये साइट ले लेता हूँ और यहाँ से आपको रजिस्टर करना होगा या आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं गूगल से या लिंकड से। मैं गूगल से कर लेता हूँ, यहाँ से इसको साइन अप कर लेंगे। जो भी आपको मेल से कनेक्ट होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाना है, क्रिएट ए न्यू, और यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, चूज फॉर अपलोड योर फाइल। यहाँ पे जो मैंने ऑडियो डाउनलोड किया है उसको यहाँ से अपलोड कर लेंगे। हिंदी में है तो मैं इसको हिंदी इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा और ये देखिए दोस्तों ये फाइल मेरी अपलोड हो चुकी है। चलिए देखिए दोस्तों जो मैंने हाउ टू रिमूव वीडियो को जो वो किया था वो यहाँ पे देखिए दोस्तों आ चुका है। तो देखिए आपको कुछ यहाँ पे सुधार करना होगा, चेंजेस करने होंगे, जैसे यहाँ से ये हटा दीजिए और इसके बाद क्या आप डाटा डिलीट हो चुका है पर्सनल, तो यहाँ से देख पढ़ लीजिए और मैं अपना है तो उसको हटा के आपको नया वर्ड चेंज कर देना है। इसको दोस्तों कॉपी करेंगे, यहाँ से इसका प्लैगरिज्म चेक कर लेंगे। इसको कॉपी किया मैंने और इसको यहाँ से चेक करने के लिए आप डुप्लीकेटर डाल दीजिए, डुप्लीकेटर से भी चेक कर सकते हैं और स्मॉल टूल से भी आप प्लैगरिज्म चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। चेक योर प्लेगरिज्म, इसको चेक करेंगे कि इसका प्लेगरिज्म कितना है। प्लेगरिज्म चेक हो रहा है, ये देखिए दोस्तों 100% यूनिक आर्टिकल मेरे पास जनरेट हो गया और 299 वर्ड का है ये। तो अब कितना भी लंबा लिख सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से इसमें आप फिर सुधार करके उसको अच्छा सा बना लीजिए। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश का वीडियो आपको किस तरीके से टेक्स्ट में परिवर्तित करना है। तो कोई भी इंग्लिश का वीडियो ले लीजिए, मैं यहाँ पे जैसे टाइप करता हूँ, यहाँ से देखिए जैसे दोस्तों ये वीडियो आ रहा है, मैं इसके लिंक को कॉपी करूँगा। यहाँ से कॉपी एड्रेस, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे उस URL को पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हैशटैग एंड डाउनलोड, यहाँ पे जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो डाउनलोड इंग्लिश मुझे टेक्स्ट में परिवर्तित किया है, तो मैं इसको टेक्स्ट में ले लूँगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आर्टिकल जो वीडियो में बना हुआ है सीक्रेट का, ये बहुत सारे गैपेज हैं इस लाइन में, तो आप इस लाइन को गैप को एक एक करके हटाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसमें आपको सुधार करना होगा तभी ये आपका आर्टिकल अच्छे से बच सकता है। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसके गैप को कैसे हटाना है। ते हैं taxfixer.com में, ये वेबसाइट का लिंक दे दूंगा आपको, और taxfixer पे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और इसके बाद रिमूव लाइन ब्रेक ग्राफ पैक्स, जैसे ही इसको रिमूव लाइन पे करेंगे नीचे देखिए दोस्तों ये पूरी तरीके से लाइन ब्रोक हो चुकी है। और यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और इसका प्लैगरिज्म चेक कर लीजिए। चलिए दोस्तों ये कॉपी होने के बाद इसका प्लैगरिज्म चेक करते हैं, यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों ओजेंट वर्ड लेगा, 1000 से ज़्यादा नहीं लेगा, तो 894 हो चुके हैं। अब इसका प्लैगरिज्म चेक करते हैं, ट्रैफिक लाइट भी कर देना है, वेरीफाई भी करेंगे। इसके बाद हमारा देखिए प्लैगरिज्म चेक हो रहा है, 89% यूनिक है और उसका प्लैगरिज्म 11%। तो इसको 100% यूनिक कैसे बनाना है मैं वो बताता हूँ। और री राइट प्लैगरिज्म कन्वर्ट, यहाँ पे दोस्तों इसको कर देंगे री राइट आर्टिकल कर देंगे। तो री राइट जैसे ही आर्टिकल कर देंगे तो ये देखिए दोस्तों आपको री राइट करके देगा। अभी ये दोस्तों यहाँ पे हमने चेक किया था तो ये कितना बता रहा था देख लेते हैं, ये आपका 66% यूनिक और प्लैगरिज्म इसका 34% बता रहा था। अभी देखिए मैं इसको 100% यूनिक आर्टिकल बनाने वाला हूँ। तो इस तरीके से रीराइट करने के बाद यहाँ से इसका प्लैगरिज्म चेक करेंगे, 100% से ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको क्या करूँगा, कोई भी एक वर्ड ले लेंगे। और ये जो मैंने आपको ग्रामरली जो डाउनलोड कराया था इसको यहाँ से टेक रहने और इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो लिखा है यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो देखिए अपने आप ये हिंट देगा कि ये वर्ड लगाना है, ये वर्ड यहाँ पे लगेगा। तो इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है, यहाँ पे लगा सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं ये 100% यूनिक हुआ कि नहीं हुआ, इतने को आप कॉपी कर लीजिए, इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये 1000 वर्ड का ही लेता है। इसका प्लैगरिज्म चेक करेंगे कितना है, मैं इसको 100% यूनिक आर्टिकल बना कर दिखाऊंगा दोस्तों। हमारे सामने जो अभी प्लैगरिज्म जो पहले दिखा रहा था अब वो 66% दिखा रहा था, लेकिन अब ये 100% दिखाने लगा। तो इस तरीके से आप 100% यूनिक आर्टिकल बना सकते हैं। और यहाँ पर एक बार टिक करेंगे जो वर्ड आपके यहाँ पे मिसमैच हो रहे हैं
या उनमें कुछ गलतियां हैं तो आप यहां से इसको चेंजेस कर सकते हैं। रेड कलर का आ जाएगा, खाली आपको मैंने ये ग्रामरली जो डाउनलोड कराया है इस तरीके से। अब दोस्तों मैं ये बताने टाइप करना है ऐप और डॉट कीवर्ड। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं करता रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया, इसको आप ओपन कर लीजिए ऐप कीवर्ड डॉट। मैं इन जो भी मैंने कीवर्ड की आपको वेबसाइट या टूल बताए हैं मैं उन सब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये देखिए दोस्तों यूनाइटेड स्टेट है, आप यहाँ से अपना मैं चलिए इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके करेंगे, बहुत जल्दी ये देगा आपको रिजल्ट। कीवर्ड फाइंडर, कीवर्ड को फाइंड करना, बहुत अच्छे अच्छे आपको कीवर्ड मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर फुल फॉर्म कंप्यूटर, मतलब इस तरीके से आप कीवर्ड आप डालेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जितने भी टूल बताई या जितने भी वेबसाइट बताई ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पेमेंट नहीं देते हैं। और इस तरीके से आप कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं हिंदी में इंग्लिश में आप किसी भी यूट्यूब का इस तरीके से। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो। इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और यहाँ से दोस्तों आप बिंग और गूगल लगाया है मैंने, यहाँ से इसको ओके कर देंगे। देखिए दोस्तों अभी आप बहुत सारे कीवर्ड जनरेट करके देगा ये, तो जिस भी कीवर्ड का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कीवर्ड आप ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड आ चुके हैं, जो भी उसका आपका सीपी बेस्ट कीवर्ड जनरेटर और सबसे मोस्ट कीवर्ड जनरेटर टूल मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको डाल लेना है सोविली। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे गूगल अमेजन याहू बिंग बहुत सारे हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं कि मुझे ये वाले इंजन नहीं चाहिए और कोई चाहिए तो यहाँ पे आप दोस्तों देखिए, जैसे मैं इसको अमेजन हटाना चाहता हूँ और मुझे इसकी जगह वर्डप्रेस लगाना है, विकिपीडिया है, बिंग है, और भी जो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपल सा यहाँ के ड्रैग करके यहाँ पे इसको रख देंगे। दोस्तों देखिए इस तरीके से आ जाएगा, और मुझे अमेजन को हटाना है तो मैं यहाँ से इंजन कर सकते हैं 11 इंजन कर सकते हैं और यहाँ से 15 कर सकते हैं। तो जो सर्च रिजल्ट है 15 जो देखिए 15 अगर कर दीजिए तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे सर्च इंजन आने लगे। तो चलिए मैं ओनली 7th पे करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे आपको कोई भी कीवर्ड डाल लेना है, जैसे मैं डाल देता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए दोस्तों जो बेस्ट कीवर्ड है, देखिए दोस्तों यहाँ पे गूगल पे जो कीवर्ड हैं वो ये आ चुके हैं, व्हाट इज ये कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यहाँ से आप बहुत सारे आपको कीवर्ड मिलने वाले हैं। तो जो भी आप कीवर्ड चाहते हैं वो कीवर्ड ले सकते हैं, और मैं चाहता हूँ यहाँ से कंप्यूटर की जगह को कीवर्ड इसमें मिलने वाले हैं, और आपको गूगल प्लस आंसर बिंग याहू अमेजन बहुत सारे कीवर्ड आपको मिलने वाले, कोई भी एग्जांपल आप लेना चाहते हैं वो आप कीवर्ड ले सकते हैं। तो जो हब पोस्ट जो वेबसाइट मैंने ओपन की थी वो यहाँ पे आप कीवर्ड डाल लीजिए कोई भी कीवर्ड। देखिए ब्लॉग आइडियाज जनरेटर, तो मैं कोई भी कीवर्ड डाल लेता हूँ, सपोज दैट मुझे SEO से रिलेटेड दोस्तों 5 विल SEO रूल वर्ल्ड, इस तरीके से आप इसमें कीवर्ड 5 कीवर्ड आप यहां से ले सकते हैं। तो ये कीवर्ड और भी मैं आपको बताने वाला हूं, और जो भी आपको अच्छा लगे तो यहां से कीवर्ड जनरेट करने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं।
के लिए बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। मैं आपको और भी सारे टूल्स बता दूंगा, लेकिन मैं जो यूज करता हूं, मैं उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और आपको यहां पे टाइप करना है MWWMSAnyWhere। इसको ओके करेंगे, फर्स्ट लिंक आ रहा है, इसको आप ओके करेंगे, इसको क्रोम पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट और यहाँ से ऐड टू क्रोम, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो टूल्स है ये ओनली इसी ब्राउजर पे ही इस्तेमाल होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। और ये देखिए दोस्तों, मेरा ये इस तरीके से आइकन आ गया, यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। चलिए मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना नाम, अपना पासवर्ड, जैसे कोई भी वर्ड ले लेता हूँ, मैं गूगल पर टाइप करता हूँ SEO, और इसको सारे कीवर्ड आपके सामने आ गए हैं, जिस कीवर्ड को भी आप चूज करना चाहते हैं वो कीवर्ड आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं, इसकी जो कंट्री है वो कंट्री आपको किस कंट्री से आप कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, तो मैं इंडिया से सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको इंडिया लगा देना है। और इसके बाद फिर से पेज को रिफ्रेश कर देना है। अब ये दोस्तों देखिए, इंडिया का फ्लैग आने लगा है यहाँ पे, और SEO का फुल फॉर्म व्हाट इज SEO एंड हाउ टू इट वर्क, इस तरीके से इन्होंने एक आइडिया दे दिया कीवर्ड के लिए, तो आप यहां से कीवर्ड इस तरीके से लगा। वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग यू, आपका इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग यू, नमस्कार।